दुनिया की सभी मुल्कों के लिए सरदर्द बन चुकी चीन की पैंतरेबाजी समझ से परे है। हम चीन से निकले कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो चीन भू माफिया की तरह पेश आ रहा है। इसी रवैये की वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर चीन पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हांगकांग में स्वतंत्रता को कुचल रही है और एक स्वतंत्र ताइवान को धमकी दे रही है। चीन विश्व संचार नेटवर्क पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। माइक पोम्पियो ने चीन के मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने पश्चिमी चीन में चीनी मुसलमानों पर सामूहिक गर्भपात और नसबंदी के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी, जिससे साफ जाहिर होता है कि चीन मानवाधिकार उल्लंघन की हर सीमा को पार कर रहा है, जो कि इस शताब्दी के लिए बहुत बड़ा दाग है। अमेरिका और चीन दो ऐसे देश हैं जिनकी लड़ाई सदियों पुरानी है और वक्त के साथ साथ ये लड़ाई युद्ध की स्थिति तक जा पहुंची है। अमेरिका हमेशा से कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप चीन पर लगाता आया है, जिससे चीन भी बौखलाया हुआ। कोरोना वायरस स्प्रेड बॉर हांगकांग अमेरिका और चीन के कूटनीतिक तौर पर रिश्तों को कमजोर कर रहे हैं।